हाय फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जैसे कोई एक लैपटॉप है या ऑल इन वन पीसी है या कोई कंप्यूटर है, तो अभी नए जो लैपटॉप है, नए कंप्यूटर है, उसमें क्या होता है जब हम विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1 या फिर विंडोज़ 10, ज़्यादातर विंडोज़ 7 जो सीडी होती है उसे हम जब इंस्टॉल करने जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इंस्टॉल विंडोज 7 इंस्टॉलिंग करते समय हमें हार्ड डिस्क वहाँ पे डिटेक्ट नहीं होती है, तो मतलब वहाँ पे हार्ड डिस्क हमें दिखाई देती नहीं है, वहाँ पे ड्राइव्स दिखाई नहीं देते हैं, तो हमें वो ड्राइव कैसे दिखाई देगा, तो वो क्या प्रॉब्लम होती है, चलो फिर हम देखते हैं प्रैक्टिकली के वो कैसे उसे हमें रिजॉल्व करना है और विंडोज़ को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ओके। देखिए, अभी एक मेरे पास अभी एक ऑल इन वन पीसी है और अभी इस पर मैं इसे मैंने देखो यहाँ पे ये ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव, यूएसबी ड्राइव लगा दिया है यहाँ पे, और मुझे इसमें विंडोज 7 इंस्टॉल करना है। इसके अंदर विंडोज 7 की सीडी भी है। ठीक है, तो देखिए अभी प्रॉब्लम क्या हमें फेस होता है, मैं इसे ऑन करता हूँ अभी। ओके, उसने ऑटो इंस्टॉलेशन ले लिया है। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आता है, क्योंकि ये जो अभी नया EFI जो फाइल सिस्टम होती है, ये सारे जो नए लैपटॉप है, नए पीसी है जिसमें i3 प्रोसेसर लगा हुआ होता है, तो इसमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आपको फेस होती है। ठीक है, तो अभी मैं इसका इंस्टॉलेशन करने यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आगे इंस्टॉल नाउ करता हूँ। आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई भी ड्राइव दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हमें अभी ये सॉल्यूशन निकालना होगा कि यहाँ पे वो ड्राइव हमें दिख जाए। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसे रिस्टार्ट करना है। और हमें जाना है इसके बायस सेटअप में, तो अभी मैं बायस सेटअप में एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, ये लो, हम आ गए हैं बायस सेटअप। तो इसमें क्या होगा, अभी आपको सबसे पहले साटा कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। देखिए यहाँ पे ये साटा कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साटा कंट्रोलर करके, यहाँ पे अभी साटा कंट्रोल पे आपको यहाँ पे एनेबल करना है, और यहाँ पे ASCII जो मोड जो है यहाँ पे साटा मोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है बूट डिवाइस, यहाँ पे बूट ऑप्शन फिल्टर, यहाँ पे देखिए UEFI एंड लेजेसी, तो यहाँ पे जाके आप लेजेसी ओनली कर दो। उसके बाद आपको आगे जाना है यहाँ पे सिक्योरिटी में, यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, देखो सिक्योर बूट यहाँ पे एनेबल्ड है, तो आपको ऐसे क्या करना है, डिसेबल करना है। उसके बाद आपको सेव एंड एग्जिट करना है। मैंने सेव एग्जिट मैंने कर दिया।
जैसे कि मैंने अभी ये जो तीन सेटिंग्स है, जैसे साटा कंट्रोलर हो गया, उसके बाद आपका जो फिल्टर है साटा, मतलब यानी फाइल सिस्टम फिल्टर है, ठीक है, और सिक्योर बूट जो है, तो ये तीनों सेटिंग्स अगर आपके ध्यान में रहेगा तो फिर आप ये सेटिंग करते हैं अच्छे से, तो आपको इंस्टॉलेशन के समय कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ड्राइव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 100 GB का मैंने ड्राइव बना दिया है, अप्लाई, ओके, नेक्स्ट। देखिए अब इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारे नए जो आने वाले वीडियो जो है वो मिलते रहे। देखते रहिए हिट शॉर्ट फिल्म्स। थैंक यू।